हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाला हूँ अपना सुबह सुबह का काम जो डेली करना पड़ता है, 4 दिन पे 5 दिन पे करना पड़ता है। लेकिन कुछ काम ऐसा भी है जो साल में 10 ही 15 दिन का होता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सुबह सुबह आया तो इसके अंदर मैं घुसू, आपको दिखाऊं बढ़िया से। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये जो खजूर है, फीमेल है, इसमें मैं पहले से लगा रखा था, क्या बोलते हैं, गुबार, जो मेल का फूल होता है, डाल रखा था। तो ये देखिए खजूर कितना अच्छा हो गया है। अभी देखिए फ्रेंड्स, पता नहीं कैसा सिस्टम है, ये फिर निकल गया एक और ये दो दो निकल गया। तो इसमें खूब ज्यादा ज्यादा गुबार लगाया हूँ, लगा करके बांधा हूँ। ये गुबार जो होता है फ्रेंड्स, ये एक पाउडर है, इसी में से निकलता है। खजूर का जो मेल पेड़ होता है, मेल में से निकलता है। और इसके बाद फ्रेंड्स, अभी चल रहा हूँ बकरियों का घारी साफ करने, वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी हमारा कपिल आया था तो उसी ने दिखाया ये कि अब से ताल ताल सूफीना यतला बर्रा। तो मैं देखा कि हाँ, ये तो सही बाहर निकल गया है, दो दो निकल गया। तो इसमें लगाया और अभी जाऊंगा, बरसीन बरसीन काटूंगा, बच्चों को दूंगा। लेकिन ये सब तो दिखाऊंगा तो लंबा पड़ेगा। लेकिन बकरी का घारी कैसे यहाँ पे साफ करता हूँ, चलिए आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा गर्दा उड़ता है, कचरा उड़ता है, इसके वजह से मैं क्या किया, वहां पे पूरा पानी मार दिया हूँ। पानी मार के अभी 5 मिनट हुआ, छोड़ दिया हूँ ताकि थोड़ा पानी सोख ले, उसके बाद सफाई करने में सही रहेगा। नहीं तो फ्रेंड्स, ये पूरा नाक में चला जाता है और खांसी भी आने लगता है, गला खराब हो जाता है। अभी देखिए हमारा कपिल का, कपिल गया घर में, कपिल नहीं, जो हमारे कपिल का फादर है, तो वो भी, उसकी लड़की आई है, उसकी घर यहीं पे साइड में शादी किया, ज्यादा दूर शादी नहीं किया फ्रेंड्स। और बहुत दुख की बात है कि उसका जो पति है वो गुजर चुका है, लेकिन बहुत अच्छी है। आप हमेशा अपने मतलब बाप को इतना मानती है। ये देखिए, जब भी खाना वाना इसको बनाना होता है तो आकर के बना के चली जाती है, और एक बार बना के जाती है ना तो ये 3 दिन 4 दिन खाता है। मुझे भी बोलता है कि अभिषेक, तुम भी खाना एक बार बनाओ, 4 दिन खाओ। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं बना लूंगा, डेली बना लूंगा और डेली खा लूंगा। ये क्या करता है, मुझे कई बार लेकर गया, दिखाया है, एक बार खाना वो बना के चली जाती है ना, तो ये लोग इसे रोटी बनाते नहीं जल्दी, खरीद के लाते हैं। सब्जी एक बार आती है, बना के चली जाती है, ये फ्रिज में रख देगा और उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके गर्म करके खा लेता है रोटी के साथ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं आ पाती है, बच्चों को लेकर जाना पड़ता है, छोड़ने उड़ने और मार्केट करना हो, कोई भी काम हो तो नहीं आ पाती है, तो कभी कभी मैं बना देता हूँ, तो मेरे साथ मेरे बर्तन में आके खा लेता है। बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ जब आके खा लेता है तो। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी जब गिर गिर करने लगता है ना, गिर गिर भी करता है, ये इसकी मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है, इसके अंदर परेशानी, जैसे बीपी हाई है, इसकी बीपी हाई है और प्लस ये शुगर का मरीज भी है, तो कभी कभी इसको टेंशन होता है ना, तो वो टेंशन मेरे ऊपर आके उतार देता है, क्या किया जा सकता है। तो चलिए दिखाता हूँ आज मैं कौन सा काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी यहाँ बाहर में ये 3 ही पेड़ है, देख रहे होंगे, और ये जिसमें कि ये मेल है और ये फीमेल है और वो भी फीमेल है, इसमें भी अच्छा खजूर लगा हुआ है। पिछले साल इसमें खजूर अच्छा नहीं लगा था, इसकी वजह से मैं एक वो आता है मच्छरदानी टाइप का झोला आता है, मैं बांधा नहीं था, तो जो थोड़ा ही खजूर था लेकिन बहुत अच्छा आया था, इस वजह से अब की बार बांध देना है फ्रेंड्स। और ये देखिए बकरियों को सब खोल दिया हूँ और ये सब घूमेंगे चिरेंगे। एक खजूर का जो पत्ता होता है वो डाढ़ी टाइप का, वो देखिए टूटा हुआ था, तो अभी हमारा कपिल ला के रखा इधर और वो सब खा रही हैं। कल मैं उधर वाला सफाई किया था फ्रेंड्स, जिधर देखिए भेड़े को रखा हूँ, और आज इसमें सफाई करना है। देखिए क्या लग गया पैर में, तो ये देखिए अभी आके बोक घूम रहा है इसमें, ये इसमें रखूंगा सफाई करके और ले जाके बाहर निकालूंगा। ये देखिए इधर पानी, ये चिल्लाएगा बहुत, ये बाहर करने के लिए बोला। ये देखिए कितना ज्यादा पानी मारा हूँ ताकि नाक में न आए फ्रेंड्स। यहाँ दिखाओ दूँ आपको अंदर, और ये कचरा बहुत है यहाँ, मैं आपको दिखाऊं, ऐसे दिखता नहीं होगा लेकिन ऐसे अगर मैं करूँ ऐसे तो आप लोग देख सकते हैं कितना कचरा है। और इतना कचरा फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं, बस 4 से 5 दिन के अंदर हो जाता है। ये देखिए 4 से 5 दिन के अंदर हो जाता है, तो यही सब करता हूँ।
मजरा में क्या काम है? यही मजरा जैसे कई प्रकार का होता है फ्रेंड्स, कहीं पे मजरा होता है जो कि बस मजरा, मजरा मतलब खेती होती है, सीधी बात है, मजरा मतलब खेती होती है। तो कहीं पे मजरा होता है जहाँ पे खजूर होता है, बरसीम होता है, और बरसीम ना हो तो खजूर होगा, सब्जी होगा, या कोई फल वल लगा देंगे सब, अंगूर लगा देंगे सब, ये सब मजरा होता है। और कहीं कहीं फ्रेंड्स मजरे में ये लोग बकरिया रखते हैं, तो बकरिया जिस मजरे में है और खजूर है, तो उस मजरे में अगर थोड़ी सी बकरिया है फ्रेंड्स, तो ये लोग बरसीन उरसीन लगा देते हैं, चराना नहीं पड़ता है, काट के खिला देते हैं लोग, जैसे जो आमिल है वहां पे काट के खिला देता है, आमिल मतलब वो लेबर, काट के खिला देता है। और जो बड़ा वाला मजरा है फ्रेंड्स, जिसमें जैसे बहुत ज्यादा बकरियां हैं, तो उन लोगों को चराना पड़ता है, और मुझे तो कभी चराना नहीं पड़ता क्योंकि बकरियां कम है, 60, 65, 70, 75 यही रहती हैं, कम बेसी होती रहती हैं, बेचता रहता है हमारा कपिल। और अगर बकरियां नहीं है तो बस खजूर का ही काम करना पड़ता है, बस खजूर का जैसे नीचे साफ सफाई करना हो, उसके बाद उसमें वो पत्ते अगर सूख गए तो पत्ते काटना होता है, उसके बाद गुबार लगाना होता है, गुबार लगा दिया, पानी डालना होता है डेली बाई डेली, गर्मी में डेली पानी डालना होता है, और ठंडी का जब मौसम आ जाता है फ्रेंड्स, तो ठंडी में 3 दिन पे 4 दिन पे पानी ये लोग डलवाते हैं। और अभी आने वाला है फ्रेंड्स ईद, तो हमारा कफिल बोल रहा था ईद अगर आ जाएगा तो अगर यहाँ पे ईद मनाएंगे हम लोग तो तुमको मीट ज्यादा मिलेगा, और अगर हम लोग ईद रियाद में मनाएंगे तो तुमको अब की बार मीट नहीं मिलेगा। मैं बोला कोई बात नहीं है ना, माफी मुश्किल, मैं बोल दिया कि हमको कोई बात नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, क्योंकि ईद जब आता है फ्रेंड्स यहाँ पे 2-3 बकरा ये हमारा बुढ़ा जो कपिल है यही काटता है अपने हाथों से, और मुझे भी साथ में रखता है उसमें मुझे तो काटने नहीं आता है, लेकिन बोलता है ये कर वो कर, तुम वो सब मैं करता हूँ। और यहाँ टंकी के साथ में एक बड़ी सी सीढ़ी है जो मजरा में है, अभी वही लेकर आता हूँ, उसमें रस्सी बांध के रखा है, जैसे हमारे तरफ उत्तर प्रदेश में चीख होते हैं, चीख जो हमेशा बकरा काटते हैं, उसी तरह से उस सीढ़ी में रस्सी लटकाया हुआ है, काट के उसी में लटका देता है, और उसी में टांग के और बड़ा सा भगोना रख देगा और काट काट के रख देगा। हम लोगों जैसे छोटे छोटे पीस नहीं, ये लोग पूरा बड़ा बड़ा पीस काटता है, एक बकरी काटने में ज्यादा ज्यादा 15-20 मिनट के अंदर काट के खत्म कर देता है। अभी ये आदमी मतलब बुढ़ा हो गया, फिर भी जवान आदमी पता नहीं कितना तेज काटता होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमारे पास मुर्गियां ज्यादा हो गई हैं, और ये तो पुरानी वाली है, और जो मशीन से निकली है, जो मशीन से मुर्गियां निकली वो 41 बच्चे हो गए हैं, तो अभी जब बड़े होंगे ना, तो अभी कह रहा हमारा कपिल की एक काम और है बड़ा सा, जो कि यहाँ पे घर बनाना है, यहाँ पे जिससे बकरियों का घर है ये है, उसी तरह से यहाँ पे एक मुर्गियों का घर बनाना है, इसलिए यहाँ पे बनाएगा ताकि इधर देखिए थोड़ा वो ज्यादा मतलब कि वो डाउन है मिट्टी, और इधर ऊपर है ताकि बारिश वरिश आए तो पानी ना लग पाए, तो यहाँ पे बनवाएगा और उसमें हम लोग रखेंगे मुर्गियाँ, उसके बाद मुर्गियाँ देंगी डेली अंडा, खाने का कमी नहीं होगा, आलू रहेगा, मुर्गी का अंडा रहेगा, मीट भी दे देता है, उसके बाद सब्जी भी मैं हमेशा लगाता रहता हूँ, यही सब लाइफ होता है फ्रेंड्स सऊदी अरब मजरा का। तो मुझे भी पता नहीं था, मैं इंडिया में था तो मुझे लगता था कि बहुत आसान लाइफ है, लेकिन आसान लाइफ नहीं है सऊदी अरब मजरा का, पर हाँ इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, छोटी छोटी चीजों में भी अपनी खुशी ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि अपने आप को खुश रखना है, खुश नहीं रहूंगा तो फिर तबीयत खराब हो जाएगा, पहले से तो ऐसे ही दवा चली रहा है लेकिन ठीक हूँ अभी फिलहाल। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो फ्रेंड्स दिल से धन्यवाद।